तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे श्रीकांत देसाई उर्फ श्रीकांत मामा, जिसको अंधेरी का किंग भी कहा जाता था। छोटा राजन का सीनियर, बड़ा राजन का दोस्त और सबसे बड़ी बात रवि पुजारी का गुरु। अगर श्रीकांत मामा की मौत नहीं होती 93 में तो रवि पुजारी गैंगस्टर नहीं बनता था। यह अपने आप में बहुत रोचक कहानी है। उसके साथ साथ श्रीकांत मामा वॉज द पर्सन, वो शख्सियत था जिसने छोटा राजन की एंट्री डी गैंग में करवाई, क्योंकि उस समय डी गैंग का खास उल्खास शरद अन्ना शरद शेट्टी वो श्रीकांत मामा देसाई का जिगरी दोस्त था। अंधेरी में साथ में काम करते थे दोनों और बाद में भले इनकी जो लॉयल्टी थी वो बदल गई। शरद शेट्टी दाऊद के साथ खड़ा रहा 93 के बाद और छोटा राजन अलग हो गया, लेकिन श्रीकांत मामा उसके पहले चल बचा था। अगर वो जिंदा होता, ऐसा दोनों जो कंपनीज हैं छोटा राजन कंपनी डी कंपनी, उसके जानकार लोगों का कहना है कि अगर इनकी इस दुश्मनी अलग अलग होने के समय या उसके बाद भी अगर श्रीकांत मामा जिंदा होता तो छोटा राजन और शरद शेट्टी की दुश्मनी कभी नहीं हो सकती थी, ये इन लोगों का कहना है। मैं भी मान सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह मैं श्रीकांत मामा को जानता था। वो इसलिए कि मैं एयरपोर्ट कवर करता था, एविएशन कॉरेस्पॉन्डेंट था, रोज पूरा दिन मेरा सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सांता क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे निकलता था। और श्रीकांत मामा और शरद शेट्टी दोनों एयरपोर्ट पे कंट्रोल करके रखे हुए थे। एयर कार्गो कम्प्लेक्स श्रीकांत मामा के कब्जे में था और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो डी गैंग की तरफ से देखता था वो शरद अन्ना देखता था। गोल्ड और इस किस्म की स्मगलिंग का जो माल बाई प्लेन आता था, बाई फ्लाइट आता था, बहुत सामान आता था। तभी जहाज़ की टॉयलेट में 100 बिस्कुट, 2 जैकेट, 3 जैकेट पैनल में छुपा के रख देते थे। कोरियर बहुत आते थे, उनकी कस्टम वालों से सेटिंग करनी और बाहर सामान निकालना, वो सब काम शरद अन्ना देखता था। और दूसरी तरफ जो बाकी सामान आते थे, ख़ास तौर पे हथियार अंडरवर्ल्ड के लिए दुनिया भर से जो स्मगल करके कार्गो में लोड किए जाते थे ताकि जल्दी मुंबई तक पहुंच जाएं, एयर कार्गो पे पूरा कंट्रोल श्रीकांत मामा देसाई का था। जो वहाँ पे लोडर्स की वर्कर्स की यूनियन थी उनका लीडर भी श्रीकांत था। हालांकि शरद शेट्टी कभी किसी वर्कर यूनियन का लीडर नहीं बना, पर वो जो कुरियर होते थे जो अंडरवर्ल्ड के बिहाफ पे सोना चांदी इस किस्म का सामान लेके आते थे और ड्रग भी किसी हद तक, उनको सबको शरद शेट्टी हैंडल करता था और दूसरी तरफ बाकी का सामान वो सब श्रीकांत मामा हैंडल करता था। और उसमें कम से कम 450 लोग इन्वॉल्व थे इस धंधे में। बहुत सारे एयरलाइन के एम्प्लाइज, खास तौर पे इंडियन एयरलाइंस के, उस ज़माने में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट दुबई जाया करती थी, एयर इंडिया की नहीं जाती थी। इसी तरह कुछ फ़्लाइट दूसरी छोटी मोटी एयरलाइन दुबई से इंडिया आती थी, उनके जो क्रू मेंबर होते थे उनके साथ भी अटी चटी लगाना वो पूरा काम शरद शेट्टी का हुआ करता था। एयरपोर्ट पे जो रहमान एयरपोर्ट जिसको कहते थे दुबई पे, वो रहमान एयरपोर्ट पूरा सामान सोना जहाज़ में लादने का काम करता था, उनको पैनल्स में छुपाने का काम करता था, क्योंकि दुबई में सोना खरीदना बेचना जहाज़ में रखना बाहर निकालना कोई क्राइम नहीं है, खुली आज़ादी है, जाओ मर्जी करो।
लेकिन वो सिक्योरिटी, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उसके पास थी, बड़ा अधिकारी था, रहमान एयरपोर्ट कहते थे उसको, उसके जरिए सोना जहाज में भर दिया जाता था बड़े तरीके से छुपा के, और उसके बाद मुंबई में उसको जहाज से निकालना, वो पूरा काम जो था वो शरद शेट्टी देखता था, और भी काफ़ी लोग थे उसमें, कुछ लोग तो बाद में बड़े लेवल के फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनेंसर बन गए। इस बहुत से एक बुकाड़े था, एक सुधाकर बुकाड़े, उसी तरह एक ज़ेवियर मार्कस था, इनके जो फादर थे वो एक ज़माने में एयर इंडिया में काम करते थे और एयरपोर्ट पर इनका काफ़ी होल्ड था, और बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द लोडर जो थे वो महाराष्ट्रियन लड़के थे, तो इसलिए श्रीकांत मामा देसाई के लिए थोड़ा आसान हो जाता था अपनी भाषा से अपने लड़कों से काम करना। उसके साथ साथ बहुत से जो कुरियर और पैसेंजर दुबई से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, ये काम तीन चार, ये स्मगलिंग का काम उस समय तीन चार सेंटर से होता था। सबसे बड़ा सेंटर था दुबई, दूसरा सेंटर था सिंगापुर, तीसरा था हांगकांग और चौथा था बैंकॉक, ये मेन थे। यहाँ से हर किस्म का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़ा, VCR, TV, ये सब कुछ आता था, AC भी आते थे वहाँ, स्मगल हो गए, एयर कंडीशनर। तो इस तरीके से पूरा सामान को हैंडल करना, करोड़ों की हैंडलिंग होती थी हर महीने। उसके अलावा जो लोग जो सामान लेके आते थे, कई बार पकड़े जाते थे, सेटिंग टूट जाती, रीजन ऑफिसर से, कस्टम ऑफिसर से कोई सौदेबाजी की होती तो उनकी ड्यूटी नहीं हुई, या कोई स्पेशल कोई रेड आ गई, कुछ हो गया तो उनको ड्यूटी भरनी पड़ती, तो उनके पैसा नहीं होता था। तो श्रीकांत मामा के दर्जनों लोग कैश जेब में लेके एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते थे, लाखों का कैश, अलग अलग गाड़ियों में, टैक्सियाँ, पार्किंग लॉट में, कैंटीन में, कहीं भी। तो जो आदमी पकड़ा गया तो तभी कस्टम वाले बोलते थे, ठीक है तुम्हारे पास ड्यूटी का पैसा नहीं है तो आप अरेंज करो। तो ये अंदर से पब्लिक हॉल ऑफिस होते थे, तभी PCO वहाँ से फ़ोन कर देते थे बाहर अपने आदमी को, इनको मैसेज मिल जाता था। ये एयरपोर्ट का जो गेट होता है, जो कस्टम का गेट होता है, जहाँ से आम आदमी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ कस्टम वाले जाते हैं, वहाँ पे ये इनको बुला लिया जाता था। कस्टम का एक सिपाही उस नीडी आदमी को, लोडमंद आदमी को लेके गेट तक आता था, और वहाँ से इनको पैसा दिया जाता था, और वो पैसा अंदर भर के ये लोग अपना माल छुड़ा लेते थे, अगर छोड़ने वाला होता था, नहीं तो वो कन्फिस्केट हो जाता था। तो अब उन लोगों को जो पैसा दिया जाता था उसके ऊपर बहुत हैवी इंटरेस्ट दिया जाता था। मुझे याद है अगर उस ज़माने में 10,000 किसी को दिया तो उससे 11,000 लिया जाता था, 1,000, 12,000 भी लिया जाता था। जो कुछ घंटों के अंदर ही वो आदमी सामान लेके बाहर निकलता था ड्यूटी भर के, इनका आदमी, श्रीकांत मामा का आदमी उसके साथ टैक्सी में बैठ के उसके घर जाता था और उसके घर से पैसा लेके वापस आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट चलता। तो उसमें हमारे साइन कोलीवाड़ा के बहुत लड़के लगे हुए थे, एक लादा पाला करके दो भाई मशहूर थे श्रीकांत मामा के खास, उनके ज़रिए से बहुत सारे पंजाबी लड़के कोलीवाड़ा के, सरदार जी भी थे, दूसरे भी थे, बहुत सारे लड़के एयरपोर्ट पे काम करते थे, और काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर वो जो आउटलाइन चलते थे, लाइन में गाड़ी नहीं लगाते थे, उनकी इनके साथ सांस गांठ थी। तो ये पैसेंजर की टैक्सी में नहीं जाते थे बैठ के, अपने ही लोगों की टैक्सियाँ होती थी, टैक्सी ड्राइवर भी इनके, उनके साथ एक एक बॉडीगार्ड, पैसा देने वाला भी इनका, तो पैसेंजर के भागने का मतलब ही नहीं है। अपनी गाड़ी में बैठा के रखते थे, सामान डिक्की में ताला लगा के रखते थे, घर पे जाके जैसे आदमी ने पैसे दिए तो उसका सामान उसको टैक्सी में से निकाल के देते। तो कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी वहाँ लगा रखी थी जो टैक्सी नंबर तो नहीं था लेकिन इसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे।
इसी तरह कार्गो में जो अनअकम्पनीड बैगेज आता था, पैसेंजर तो आ जाता था जहाज में बैठ के, उसके अलावा जो सामान आता था वो कार्गो में आ जाता था, तो वो काफ़ी दिनों के बाद जाके आपको वहाँ से क्लेम करना पड़ता था। उस कार्गो में अगर वो खोल के कस्टम वाले चेक करेंगे तो बहुत कुछ इलीगल पाया जाएगा, उसमें आर्म्स भी आ जाती थी, एम्यूनिशन भी आ जाता था, सोना चांदी भी आ जाती थी और बैंड आइटम आ जाती थी, उन सब को कस्टम वालों से सेटिंग करके क्लियर करवाना श्रीकांत मामा का काम हुआ कर। वैसे छोटा राजन गैंग में श्रीकांत मामा छोटा राजन से बहुत सीनियर था, ये बड़ा राजन का दोस्त था, डैनी ये सदा मामा बंडिया मामा गूंगिया ये लोग छोटा राजन के सीनियर थे। उसका अंदाज़ा इस बात से भी लग सकता है कि 1984 में जो जॉन परेरा का मर्डर होता है, जब छोटा राजन इंडिया में ही था, अभी दुबई गया नहीं था, इतना बड़ा नहीं था और बड़ा राजन जिंदा था, तो मर्दा राजन ने जुहू में एक प्लॉट पे कब्जा लेना था, लेकिन वहाँ पे एक जॉन परेरा नाम का आदमी इनको कब्जा लेने नहीं दे रहा था, तो मर्दा ने उसको मरवाने की प्लानिंग बनवाई और वो जॉन परेरा को मारने की सुपारी ये हमें कैपिसोड बना चुके बड़ा राजन को दी गई, और उस सुपारी में बड़ा राजन ने आदमी भेजे छोटा राजन, श्रीकांत मामा देसाई उसी गैंग में शामिल था और उसी में नेपाली ये भी था, और साथ में एक जुहू का बस्ताओ क्रेडो बस्ताओ क्रेडो रॉबर्ट का भाई वो भी था, तो इस किस्म के लोग छोटा राजन भी उसमें था, तो ये लोग वर्दा राजन से पैसे लेके उस आदमी को जुहू पे चौपाटी पे जाके उसकी बच्ची के सामने उसका मर्डर कर दिया था, और उसके बाद में वर्दा ने अपने नकली आदमी पेश कर दिए थे कि इन लोगों ने मारा है, लेकिन बाद में शोर शराबा हुआ तो पता चला कि जो आदमी पेश किए गए हैं वो डमीज हैं, असली आदमी तो बड़ा राजन का गैंग था, तो उसके बाद एक एक करके ये आदमी पकड़े गए, इनके ऊपर केस चला सबके ऊपर, बड़ा राजन के ऊपर भी, लेकिन बाद में उसका तो मर्डर हो गया था, तो ये उस समय के साथ में हैं जब छोटा राजन छोटा मोटा ही क्रिमिनल था, कोई इतना नाम नहीं था उसका मुंबई में, लेकिन श्रीकांत मामा उस समय भी काफ़ी होल्ड रखता और छोटा राजन एंड तक उसकी एक बड़ा होने के नाते बड़ा था, इसलिए उसको मामा कहते थे, महाराष्ट्र में अपने से बड़े आदमी को जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो इज्जत करते हो उसको मामा कह दिया जाता है, उसी तरह बंडिया मामा गौली गैंग में सादा मामा कई इस किस्म के जितने मामा अंडरवर्ल्ड में हुए हैं वो बहुत से बड़ी उम्र के होते हैं नॉर्मली, इसलिए उनको मामा कहा जाता है। खैर तो श्रीकांत मामा उस समय से राजन का छोटा राजन का सीनियर था, उस क्योंकि एयरपोर्ट पे साथ में काम करते थे शरद शेट्टी और श्रीकांत मामा, इसलिए इनकी बहुत अच्छी दोस्ती ट्यूनिंग थी, भाई बने हुए थे दोनों, और जब छोटा राजन को अशोक जोशी के मर्डर के बाद मुंबई छोड़ के भागना पड़ा तो वो श्रीकांत मामा की मदद ही थी जिसके चलते हुए शरद शेट्टी ने छोटा राजन गैंग को सबके सब को वहाँ पे बुलाया, इनको संभाला, कुछ इस होटल को इसके होटल में रहे फिर छोटा राजन के आदमी, कुछ इकबाल मिर्ची के होटल में रुके, तो काफ़ी इन लोगों ने शुरुआती दिनों में छोटा राजन को दुबई में एडजस्ट करने की जो मदद की गई थी वो शरद अन्ना की तरफ से की गई थी, शरद शेट्टी की तरफ से की गई, वो छोटा राजन के पहले दुबई पहुंच गया था। खैर ये उनके रिश्तों की बात करते, तो श्रीकांत मामा के पास एक लड़का काम करता था जिसको एरन बॉय बोलते थे, तेजाब चाह वो किचो चाय बोल के या दुकान पे दो कप चाय
को बड़ा पाव ले आ, कोई ये काम कर दे, ये उधर से ये माल पहुंचा दे, ये ले आ। तो छोटे मोटे काम करने वाले लड़के का नाम था रवि पुजारी। ये श्रीकांत मामा का ऑफिस बॉय समझ लो आप, हेल्पर उसका, नौकर घर का, उस किस्म का आदमी था। अब श्रीकांत मामा सबसे बहुत बना के रखता था, बड़े प्यार से बात करता था। उसकी एक अपनी अप्रोच थी, क्योंकि उसको कस्टम के अफसरों से बात करनी है, एयरपोर्ट पे पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों से बात करनी है, उसके साथ साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह होते हैं स्पेशल, उनसे बात करनी है, एयर इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों से बना के रखनी है। तो उसका बातचीत करने का तरीका बहुत पॉलिश था, इसलिए लोग उसकी बात सुनते भी थे। तो मेरी दो बार उसकी मुलाकात हुई, रीजेंसी होटल है अंधेरी में, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, जो अंधेरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो कनेक्ट करता है, अंधेरी ब्रिज जिसको कहते हैं, वहाँ पर कॉमन फ्रंट में। एक बार तो हमारे वो जो कोलीवाड़ा के पंजाबी लड़के थे, उनका कोई झगड़ा हो गया आपस में, काफ़ी बहुत कुटुम्बमय हुई, मारा मारी हो गई, पुलिस में केस हो गया। और वहाँ पे जो एसीपी उस समय थे, वो सरदार जी थे, मिस्टर ग्रोवर, पहला नाम है उनका भूल गया, लेकिन ग्रोवर उनका सरनेम था। पगड़ी बांधते थे, बड़े स्मार्ट ऑफिसर थे, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे पंजाबी होने के नाते। तो मैंने बीच बचा पढ़ के वो लड़कों को छुड़ाया था, क्योंकि पंजाब के तो उनके माँ बाप बहन भरा आ गए सब, इनकी मदद करो, आपको जानते हैं सब। तो मैंने उनकी कुछ हेल्प की, तो श्रीकांत मामा ने उनको कहा कि इस आदमी को मेरे साथ बुलाओ। तो मैं उन लड़कों के साथ मिलने गया, तो मेरी भी एज अ रिपोर्टर इच्छा थी कि आदमी को मिलूं। मैं कोई इंटरव्यू तो करता नहीं, कुछ इंटरव्यू करनी थी, लेकिन उसके बाद उससे मुझे काफ़ी सारी खबरें छोटा राजन गैंग की मिलती रहती थी। और जब आपको मैंने कैपिटल बनाया था साइन कोलीवाड़ा में एरिया में, एक चूना भट्टी के पास एक गुरुद्वारा, एक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी सरदार जी लोगों की, उसके दो फ्लैट में नीचे गुरुद्वारा भी बनना था, वो छोटा राजन के लोगों ने रोक दिया काम जब वो दुबई में था। तो ये उस समय भी काफ़ी हेल्प जो थी वो श्रीकांत मामा ने की थी उन लोगों की, वो छोटा राजन के लोगों को समझा के वो गुरुद्वारा बनने में कोई तकलीफ नहीं आने दी। खैर वो एपिसोड भी मैं बना चुका हूँ, आपको सुनाया। तो अब देखिए रवि पुजारी कैसे बनता है, श्रीकांत मामा का नौकर गैंगस्टर कैसे बन गया। 93 में श्रीकांत मामा का विजय सलाज करने एनकाउंटर कर दिया MIDC के पास, कोई केस में वांटेड था, हथियारों का केस था, कोई सप्लाई आई थी आर्म्स की, उसको ढूंढने के लिए सलाज कर पीछे लगा हुआ था। श्रीकांत मामा मिल नहीं रहा था, तो उस अपने हाईडाउट पे था, चंद लोगों को मालूम था कि कहाँ है, जो उसके लिए खाना वाना इस कुछ भी चीज़ें लेके जाते थे। लेकिन अचानक उसके हाईडाउट पे उसको बुला के बाहर निकाल के एनकाउंटर कर दिया गया, जो रवि पजारी के दिल को बहुत बुरा लगा। तो रवि पजारी, ये 93 की बात, श्रीकांत मामा के एनकाउंटर के बाद रवि पजारी ने ये ढूंढने की कोशिश की कि श्रीकांत मामा के छुपने वाली जगह की खबर कितने पुलिस तक पहुंचाई। उसको पता चला कि एक बाला जाल्टे करके लड़का एक हफ्ता पहले बैंड्रा यूनिट की, क्राइम ब्रांच की यूनिट ने पकड़ा था, जहां पे उस समय विजय सलादकर और प्रदीप शर्मा दोनों तैनात थे। तो ऐसा ना हो कहीं कि उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए, क्राइम ब्रांच से छूटने के लिए इसकी खबर दे दी हो। पुलिस वाले तो पूछते हैं सबको, श्रीकांत मामा कहाँ है, तुमको खबर है तो बताओ, तो कहीं उसने तो नहीं बताया होगा। लेकिन क्योंकि नया नया था, यंग था, नया खून था, कोई कंफर्म करने की बात दिमाग में आती नहीं उस उम्र में, उसने गुस्से में आके उस आदमी का, बाला जाल्टे का, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बाद में पता चला कि उसका कसूर नहीं था, उसने कोई खबर नहीं दी थी। तो पता चला कि एक अनिल
सिगड़े करके लड़का है जिसने खबर दी थी। तो कई महीनों के बाद उसको ये बात पता चली, तो 94 में उसने उस सिगड़े का कत्ल भी कर दिया। अब 6 महीने के अंदर अंदर 2 ब्रूटल कत्ल, बड़ी बेरहमी से मारे और दलेरी से जाके मारे, उनके घर में घुस के मारा। तो ये 2 मर्डर होने से रवि पुजारी लाइमलाइट में आ गया। अब श्रीकांत मामा तो रहा नहीं, उस एरिया में रवि पुजारी का नाम हो गया। और रवि पुजारी और शरद अन्ना, शरद शेट्टी, वो एक ही इलाके के रहने वाले, वो ले दे के रवि पुजारी छोटा राजन का खास हो गया। और उसके बाद छोटा राजन ने उसको अपने साथ रखा बहुत साल। दुबई से भागने के बाद जब छोटा राजन ने बैंकॉक में अपना अड्डा बनाया, इधर उधर घूमते, तो उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी जो था रोहित वर्मा के बाद, तो वो रवि पुजारी था। तो उसके साथ मिलके बहुत काम धंधे रवि पुजारी ने किए, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो डिफरेंट स्टोरी, वो एक सेपरेट करेंगे। अब तो बहुत रवि पुजारी पे काम हो चुका है, बहुत से आपने उसके बारे जानते हो, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो बताने वाली बाकी हैं, वो आपको एक सेपरेट एक एपिसोड बनाएंगे रवि पुजारी पे, तो बात करेंगे। लेकिन ये शुरुआती बात, अगर श्रीकांत मामा का एनकाउंटर नहीं होता तो रवि पुजारी उसी तरह उसके साथ काम करता रहता, 2 मर्डर नहीं करता तो अंडरवर्ल्ड में क्राइम की जो दुनिया में नहीं आता। उसके बाद भागा और अल्टीमेटली 2 साल पहले सनागल से पकड़ा भी गया। लेकिन श्रीकांत मामा की लीगेसी वो इतने सालों तक चली, जो मैंने पहले बात की। जानकार ये कहते हैं कि अगर श्रीकांत मामा जिंदा होता तो शरद अन्ना भी जिंदा होता। वो श्रीकांत मामा कभी भी छोटा राजन को, शरद शेट्टी को मारने की इजाज़त नहीं देता था, और श्रीकांत मामा के खिलाफ जाके शायद छोटा राजन ये काम करता भी नहीं, कोई बैठा के बीच में समझौता करवा देता या पहले झगड़ा ही नहीं होने देता। कहा तो ये भी जाता है कि छोटा राजन को वहाँ से भगाने में भी अंदर खाते कहीं ना कहीं शरद शेट्टी ने हेल्प की थी। लेकिन 2000 में जब छोटा राजन पे बैंकॉक में हमला होता है, उसके बाद दोनों में फिर कटाक्ष पैदा होती है। वो झगड़ा इतना बढ़ता है कि अल्टीमेटली छोटा राजन, वो पूरा एपिसोड हमने बताया कैसे छोटा राजन के आदमी अपने भेजते हैं, एक जहाज़ बाकायदा खरीद के भेजा जाता है दुबई, जिसमें किलर्स को भेजा जाता है और शरद शेट्टी का मर्डर करवाया जाता है। और उसके बाद छोटा राजन को रवि पुजारी पे भी शक होने लगता है कि कहीं इसने तो मेरी खबर नहीं दी थी। उसको पता था कि रवि पुजारी शरद अन्ना के भी बहुत क्लोज है, क्योंकि शरद अन्ना और श्रीकांत मामा की दोस्ती थी और ये दोनों भी सेवा करता था। तो ये कहीं ना कहीं छोटा राजन के दिमाग में एक शक की सुरी घूमी कि वो पुराने रिश्तों को लेकर कहीं रवि पुजारी ने मेरी लोकेशन शरद अन्ना को तो नहीं बताई, जो दाऊद का खास था उस समय। तो ये काफ़ी सारी बातें अंदर खाते चलती हैं और कहीं ना कहीं वो खटास आपस में पैदा हुई और रवि पुजारी छोटा राजन को छोड़ के इंडिपेंडेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में पहले, बैंकॉक में आने के पहले उसके साथ रहा, छोटा राजन की बहुत सेवा की, बहुत संभाला, लेकिन जब बात बिगड़ती है तो दोबारा बननी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह गुरु साधक जिसने बहुत हेल्प की थी छोटा राजन की इनिशियल डेज में, दुबई में भी इसकी बहुत हेल्प की थी, उसकी ऊपर भी शक किया छोटा राजन ने। अल्टीमेटली गुरु साधक भी छोड़ के चला गया और उसने भी अपना अलग गैंग बना दिया। और वहाँ से निकलने के बाद रवि पुजारी साउथ अफ्रीका में, मोरक्को में, इधर उधर कई कंट्रीज में घूमते घूमते फाइनली
डकार में जाके सेटल हो गया, सेनेगल की कैपिटल, और वहाँ से पकड़ा गया। ये लंबी चौड़ी कहानी है कैसे वो उसका भागना हुआ, कैसा पकड़ना हुआ, पुलिस का क्या रोल था, छोटा राजन का क्या रोल था, ये सब बातें लंबी चौड़ी चलती रही। तो दोस्तों ये किस्सा था उस श्रीकांत मामा देसाई का, छोटा राजन का बड़ा भाई और रवि पुजारी का उस्ताद और शरद शेट्टी का लंगोटिया यार, अंधेरी का बादशाह। बड़ा दिलदार आदमी था, मैंने देखा है, बहुत हेल्पफुल था। लेकिन इस किस्म के लोग जिस किस्म की ज़िंदगी जीते हैं उसी किस्म की मौत अल्टीमेटली उनके सामने आ जाती है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।